समान ग्रीवा वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान लंबी तथा शुक ग्रीवा वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीवा वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिसकी भुजाएं ऊपर को खिंची रहती है वह बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा रहने पर दास होता है। छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ का तल गहरा होता है उसे पिता का धन नहीं प्राप्त होता, वह डरपोक होता है। ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फल वाला, लाख के समान रक्त वर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष आगम्य आगम करने वाला, काला और नीला करतल वाला, मध्य आदि द्रव्यों का पान करने वाला होता है। रूखे करतल वाला पुरुष निर्धन होता है और जिनके हाथ की रेखाएं गहरी और स्त्रीगत होती हैं वे धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिनकी उंगलियां विरल होती हैं उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन उंगली रहने पर धन का संचय रहता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, कार्तिकीय, चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूंड की आकृति का होता है वह भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौखूटा मुंह वाला द्रुत, स्त्री के मुख के समान मुख वाला और निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल के दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं वह धनवान एवं कृषक होता है। सिंह, बांध और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है। जिसका नीचे का होट रक्त वर्ण का होता है वह राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होट होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांस रहित हो वह संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा होने पर कृपण, शंख के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा पुष्ट तथा लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुक की चोंच के समान हो वह सुख भोगने वाला और शुक नाक वाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, हाथी, घोड़ा, सिंह या सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद, पुष्प की कली के समान उज्जवल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य भूख से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे अलग अलग और फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 29 दांत वाले पुरुष दुखी ही भोगते हैं। कालिया,
चित्रवर्ण की जीव होने पर व्यक्ति दास वृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीव वाला क्रोधी श्वेत वर्ण की जीव वाला पवित्र आचरण से संपन्न होता है। निम्न स्त्रीगत अर्ग भाग रक्त वर्ण और छोटी जिह्वा वाला विद्वान होता है। कमल के पत्ते के समान पतली लंबी ना बहुत मोटी और ना बहुत चौड़ी जिह्वा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालू वाला अपने कुल का नाशक, पीले तालू वाला सुख दुख भोग करने वाला, सिंह और हाथी के तालू के समान तथा कमल के समान तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है और रूखा फटा हुआ तथा विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले पुरुष धन्य माने गए हैं। क्रौंच के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिनका स्वर होता है ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्मवत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुंदुभी के समान स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं और रूखे ऊंचे क्रूर पशुओं के समान तथा गर्गयुक्त स्वर वाले पुरुष दुख भागी होते हैं। नीलकंठ पक्षी के समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कांसे के बर्तन के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं। दांडिम के पुष्प के समान नेत्र वाला राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आँख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आँख वाले मध्यम माने जाते हैं। शहद के समान पिंगल वर्ण के नेत्र वालों को लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती। गौरोचन गुंजा और हरताल के समान पिंगल नेत्र वाला बलवान और धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा होता है। और ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के पांच आड़ी रेखा होती है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष और 1 भी रेखा ना होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इन रेखाओं के द्वारा हीन मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्पायु और लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घ आयु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पष्टिश का चिन्ह होता है वह बड़ा प्रतापी कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा लंबा, सिर होने पर दुखी दरिद्र, विषम होने पर समान तथा गोल सिर होने पर सुखी हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिनके केश अथवा रोम मोटे रूखे कपिल और आगे से फटे हुए होते हैं वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश दुखमय होते हैं। विरल स्त्रीगत कोमल भ्रमर अथवा अंजन के समान अतिशय कृष्ण केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है और राजा होता है। राज पुरुषों के लक्षण। कार्तिकेय जी ने कहा, ब्राह्मण आप राजाओं के शरीर के अंगों के लक्षणों को बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं मनुष्यों में राजाओं के अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बताता हूँ। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषों में भी प्रकट हो तो वे भी राजा के समान होते हैं। इन्हें आप सुने। जिस पुरुष के नाभि स्वर और संसिस्थान ये 3 गंभीर हों, वृक्ष स्थल
कक्षनासिका, नखमुख और कृकाटिका ये छह उन्नत अर्थात ऊंचे हो। उपस्थित पीठ, ग्रीवा और जंघा ये चार हस्रव हो। नेत्रों के प्रांत, हाथ, पैर, तालु, ओष्ठ, जिह्वा तथा नख ये सात रक्त वर्ण के हों। हनु नेत्र, भुजा, नासिका तथा दोनों स्तनों का अंतर ये पांच दीर्घ हों और दंत केश, उंगलियों के पर्व, त्वचा तथा नख ये पांच सूक्ष्म हों। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा होता है जिसके नेत्र कमल दल के समान और अंत में रक्त वर्ण के होते हैं। वह लक्ष्मी का स्वामी होता है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा होता है। सुखी आंख वाला डरपोक, गोल और चक्र के समान घूमने वाली आंख वाला चोर, केकड़े के समान आंख वाला क्रूर होता है। नील कमल के समान नेत्र होने पर विद्वान, श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली, विशाल नेत्र होने पर भाग्यवान, स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र होता है। बोहे विशाल होने पर सुखी, ऊंची होने पर अल्पायु और विषम या बहुत लंबी होने पर दरिद्र, और दोनों बोहों के मिले हुए होने पर धनहीन होता है। मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी बोहों वाले परदार भिगामी होते हैं। बाल चंद्र कला के समान भोहे होने पर राजा होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट होने पर उत्तम पुरुष होता है। नीचा ललाट होने पर स्तुति किए जाने वाला और धन से युक्त होता है। कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर दरिद्र तथा सीप के समान ललाट होने पर आचार्य होता है। स्त्रीगद हास्ययुक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। दैन्य भाव युक्त तथा आंसुओं से युक्त आँखों वाला एवं रूखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम पुरुष का हास्य कंपन रहित धीरे धीरे होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है। हंसते समय आँख को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गऊओं का स्वामी तथा चिपटा सिर वाला माता पिता को मारने वाला होता है। घंटे की आकृति के समान सिर वाला सदा कहीं ना कहीं यात्रा करता रहता है। निम्न सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों को मैंने आपसे कहा। अब स्त्रियों के लक्षण बतलाता हूँ। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकीय, स्त्रियों के जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे उन्हीं शुभाशुभ लक्षणों को बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ पैर, उंगली, नख, हाथ की रेखा, जंघा, कटी, नाभि, उरु, पेट, पीठ, भुजा, कान, जिह्वा, होठ, दांत, कपोल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट सिर, केश, स्वर वर्ण और भारी भोरी, इन सब के लक्षण देखें। जिसकी ग्रीवा में रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, वह स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है वह कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस रात्रि की राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्ण, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वह उत्तम स्त्री होती है। मेंढक के समान कुक्षी वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वह पुत्र राजा होता है। हंस के समान मृदु वचन बोलने वाली, शहद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से संपन्न होती है। उसे आठ पुत्र होते हैं और जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भुएं
धनुष के समान टेढ़ी होती है। वह अतिशय सुख का भोग करती है। तन्वी श्याम वर्ण मधुर भाषणी शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली स्त्रीगत अंगों से समन्वित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। विस्तीर्ण जंघाओं वाली वेदी के समान मध्य भाग वाली विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के वाम स्तन पर हाथ में कान में ऊपर या गले पर तिल अथवा मसा होता है उस स्त्री को प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है। जिस स्त्री का पैर रक्त वर्ण हो ठेहुने बहुत ऊंचे ना हो छोटी एड़ी हो परस्पर मिली हुई सुंदर उंगलियां हो लाल नेत्र हो ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हों सभी अंगों में रोम हो छोटे और मोटे हाथ हो वह दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो मुख विकृत हो ऊपर के होठ के ऊपर रोम हो वह शीघ्र अपने पति को मार देती है। जो स्त्री पवित्र पतिव्रता देवता गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती है वह मानुषी कहलाती है। नित्य स्नान करने वाली सुगंधित द्रव्य लगाने वाली मधुर वचन बोलने वाली थोड़ा खाने वाली कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता होती है। गुप्त रूप से पाप करने वाली अपने पाप को छिपाने वाली अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट ना करने वाली स्त्री मार्जारी संज्ञक होती है। कभी हंसने वाली कभी क्रीड़ा करने वाली कभी क्रोध करने वाली कभी प्रश्न करने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गंधर्वी श्रेणी की होती है। पति और बांधवों के द्वारा कहे गए हितकारी वचनों को ना मानने वाली अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाली स्त्री आसुरी कही जाती है। बहुत खाने वाली बहुत बोलने वाली खोटे वचन बोलने वाली पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी संज्ञक होती है। शौच आचार और रूप से रहित सदा मलिन रहने वाली अतिशय भयंकर स्त्री पिशाची कहलाती है। अतिशय चंचल स्वभाव वाली चपल नेत्रों वाली इधर उधर देखने वाली लोभी नारी वानरी संज्ञक होती है। चंद्रमुखी मदमत हाथी के समान चलने वाली रक्त वर्ण के नखों वाली शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली स्त्री विद्याधरी श्रेणी की होती है। वीणा मृदंग वंशी आदि वाद्यों के शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में अभिरुचि रखने वाली स्त्री गांधर्वी श्रेणी की होती है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के लक्षणों को स्वामिन कार्तिकीय को बतलाकर अपने लोक को चले गए। विनायक पूजा का महात्म्य। शतानिक ने कहा, मुने, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वह अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाकरणाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री है, इसका जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एक दंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं
उस पर देवता, पितृ, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। चतुर्थी कल्प में शिवा, शांता तथा सुखा तीन प्रकार की चतुर्थी का फल और उनका वृत विधान। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, चतुर्थी तिथि तीन प्रकार की होती है, शिवा, शांता और सुखा। अब मैं इनका लक्षण कहता हूँ, उसे सुने। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन जो स्नान दान उपवास जप आदि सत्कर्म किया जाता है वह गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और घृत का दान करना चाहिए। यह शुभ कर माना गया है और गुण के अपूपो मालपुआ से 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए तथा नमकीन पुए खिलाती है वह गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करें और गणेश की पूजा करें। राजन, यह शिवा चतुर्थी का विधान है। माघ मास की शुक्ल चतुर्थी को शांता कहते हैं। यह शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी तिथि को उपवास कर गणेश जी का पूजन तथा हवन करें और लवण गुण शाक एवं गुण के पुए ब्राह्मणों को दान में दें। विशेष रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें एवं उन्हें भोजन कराएं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी महीने के भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को सुखा कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्त वर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई। भूमि का पुत्र होने से वह भूम कहलाया और कुंज रक्त, वीर, अंगारक आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। वह शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य आदि देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाया। जो पुरुष अथवा स्त्री भूमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को उपवास करके भक्ति पूर्वक प्रथम गणेश जी का तदंतर रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि से भूमा का पूजन करते हैं उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम संकल्प कर स्नान करें, अनंतर गणेश स्मरण पूर्वक हाथ में शुद्ध मृतिका लेकर इस मंत्र को पढ़ें। इसके बाद मृतिका को गंगा जल से मिश्रित कर सूर्य के सामने करें, तदंतर अपने सिर आदि अंगों में लगाएं और फिर जल के मध्य खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में मैंने स्नान किया, इस प्रकार भावना करता हुआ गोते लगाकर स्नान करें। फिर पवित्र होकर घर में आकर दूर्वा, पीपल, शमी तथा गौ का स्पर्श करें। इनके स्पर्श करने के मंत्र इस प्रकार हैं। श्रद्धा पूर्वक पहले गौ की प्रदक्षिणा कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ें और गौ का स्पर्श करें। जो गौ की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श कर हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें।
अनंतर खदिर खैर की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर घृत दूध यव तिल तथा विविध भक्ष्य पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करे। आहुति इन मंत्रों से दे। ओम शर्वाय स्वाहा, ओम शर्वपुत्राय स्वाहा, ओम कुजाय स्वाहा, ओम ललितांगाय स्वाहा तथा ओम लोहितांगनाय स्वाहा। इन मंत्रेक मंत्रों को 108 या अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दे। अनंतर सुवर्ण चांदी चंदन या देवदारु के काष्ठ की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्र में उसे स्थापित करें। घी कुसुम रक्त चंदन रक्त पुष्प नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें अथवा ताम्र मृतिका या बांस से बने पात्र में कुसुम केसर आदि से मूर्ति अलंकृत कर पूजा करें। इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित कर वह मूर्ति ब्राह्मण को दे दें और यथाशक्ति घी दूध चावल गेहूं गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दें। धन रहने पर कृपणता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंजूसी करने से फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार चार बार भूमयुक्त चतुर्थी का व्रत कर श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल और गणपति की मूर्ति बनवाएं। उसे 20 पल या 10 पल के सोने चांदी अथवा ताम्र आदि के पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों से पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सत्पात्र ब्राह्मण को उसे दे दें और इससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है वह चंद्रमा के समान कांतिमान सूर्य के समान तेजस्वी और एवं प्रभामान तथा वायु के समान बलवान होता है और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भूमलोक में निवास करता है। इस तिथि के महात्म्य को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता एवं सुनता है वह महापातक आदि से मुक्त होकर श्रेष्ठ संपत्तियों को प्राप्त करता है। पंचमी कल्प का आरंभ नाग पंचमी की कथा पंचमी व्रत का विधान और फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। इसे आप पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में वशिष्ठ उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी तक्षक कालिय मणिभद्र ऐरावत धृतराष्ट्र करकोटक तथा धनंजय से भी बड़ी बड़े नाग अक्षय अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नाग लोग जन्ने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज नाग माता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए, इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र ने अतिशय श्वेत उच्च श्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता क्रूद ने अपनी सपत्नी सौत विनता से कहा कि देखो यह अश्व श्वेत वर्ण का है परंतु इसके बाल काले दीख पड़ते हैं। तब विनता ने कहा कि ना तो यह अश्व सर्वश्वेत है ना काला है और ना लाल,
यह सुनकर क्रूद ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं, तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दीनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। क्रूद ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृतांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बालक के समान सूक्ष्म होकर उच्चैश्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण मरण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विनता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा, माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर क्रुद्ध ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प शस्त्र करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर क्रदु चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृतांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नामक एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना, और वह जो भी करे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञों को रोकेगा और तुम लोग उसकी रक्षा करोगे। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागा प्रियंताम मे ये केचित पृथ्वी तले, ये चाहेरि मरिचिस्था येन्तरे देवी संसिथा, ये नदेशु महानागा ये सरस्वती गामिनः, ये च वापी तड़ागेशु तेषु सर्वेषु वै नमः। इस प्रकार नागों को वर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए और अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। और इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गूगल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत
दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह उद्योग गति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उनकी सदगति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करें। यह तिथि महापुण्या कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अंतः वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वत्तर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय, तक्षक और पिंगल इन 12 नागों की 12 महीनों में क्रमश पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पारणा करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गोएं ब्राह्मण को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इस प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान करें। इससे आप भी तृप्त ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। सर्पों के लक्षण और उनकी स्वरूप और जाति। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सर्पों के कितने रूप हैं, क्या लक्षण हैं, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियां हैं, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस विषय में सुमेरु पर्वत पर महर्षि कक्षप और गौतम का जो संवाद हुआ था उसका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कक्षप किसी समय अपने आश्रम में बैठे थे। उस समय वहाँ उपस्थित गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा, महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकार के हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह भी बताएं। वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के कितने वेग हैं, विष की कितनी नाड़ियां हैं, सांपों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पणी को गर्भ कब होता है और वह कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है, ये क्यों काटते हैं, इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताएं। कक्षप जी बोले, मुने, आप ध्यानपूर्वक देकर सुने, मैं सर्पों के सभी भेदों का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ और आषाण मास में सर्पों को मध होता है, उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पणी गर्भ धारण करती है। कार्तिक में 240 अंडे देती है और उनमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ केक अंडे इधर उधर ढुलकर
बच जाते हैं और सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष स्वर्ण के तक वर्ण के समान अभाव वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों से स्त्री तथा शीर्ष पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होता है। उन अंडों को सर्पणी 6 महीने तक सोती है, अनंतर अंडों के फूटने पर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का कृष्ण वर्ण हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और इनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है, मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, शूकर से, वृश्चिक से और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरोचे दब जाने पर। इनसे बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष होने लग जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पणी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में वह बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने में कंचुक केचुल का त्याग करता है और सांप के 240 पैर होते हैं, परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते, चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। उनके शरीर में 220 उंगलियां और 220 संधियां होती हैं। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होते हैं उनमें कम विष रहता है और वे 75 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस सांप के दांत लाल, पीले एवं सफेद हों और विष का वेग भी मद हो, वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। सांप को 1 मुंह, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ों के नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है। इनके क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम, ये 4 देवता हैं। यमदूती नाम की दाढ़ सबसे छोटी होती है, इससे सांप जिसे काटता है वह तक्षण मर जाता है। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता। मकरी दाढ़ का चिन्ह शस्त्र के समान, कराली का कांक के पैर के समान तथा कालरात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है और यमदूती कूर्म के समान होती है। ये क्रमश 1, 2, 3 और 4 महीनों में उत्पन्न होती है और क्रमश वात, पित्त, कफ और सन्निपात इनमें होता है। क्रमश गुणयुक्त भात, कषायुक्त अन्य कटु पदार्थ सन्निपात में दिया जाने वाला पथ्य इनके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण इन 4 दाढ़ों के क्रमश रंग हैं। इनके वर्ण क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। सर्पों के दाढ़ों में सदा विष हमेशा रहता है और दाहिने नेत्र के समीप विष रहने का स्थान है और क्रोध करने पर वह विष पहले मस्तक में जाता है, मस्तक से धमनी और फिर नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटता है, दबने से, पहले के वैर से, भय से, मद से, भूख से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए तथा काल की प्रेरणा से। जब सर्प काटते ही पेट की ओर उल्टा जाता है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके
काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए, उसको अत्यंत द्वेष से काटा है ऐसा समझना चाहिए। एक दाढ़ का चिन्ह हो जाए किंतु वह भी भली भांति दिखाई ना पड़े तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। और इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मध से काटा हुआ, दो दाढ़ दिखाई दे और बड़ा घाव भर जाए तो भूख से काटा हुआ, दो दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ, दो दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव ना रहे तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। काक के पैर की तरह तीन दाढ़ गहरे दिखाई दे या चार दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। यह असध्याय है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। सर्प के काटने के दंष्ट, दंष्टानुपित और दंष्टोद्भत ये तीन भेद हैं। सर्प के काटने के बाद ग्रीवा यदि झुके तो दंष्ट तथा काटकर पार करे तो दंष्टानुपित कहते हैं। इसमें तिहाई विष चढ़ता है और काटकर सब विष उगल दे तथा स्वयं निर्विष होकर उलट जाए, पीठ के बल उल्टा हो जाए, उसका पेट दिखाई दे तो उसे दंष्टोद्भत कहते हैं। विभिन्न तिथियों में एवं नक्षत्रों में काल सर्प से डसे हुए पुरुष के लक्षण एवं नागों की उत्पत्ति की कथा। कश्यप मुनि बोले, गौतम अब मैं काल सर्प से काटे हुए पुरुष का लक्षण कहता हूँ। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जिह्वा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शरीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का परित्याग होने लगता है, कंधे कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आंखें चढ़ जाती है, शरीर से दाहा और कंप होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती हैं, शस्त्र से शरीर में काटने पर खून नहीं निकलता, बेत से मारने पर भी शरीर में रेखा नहीं पड़ती, काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का फूला हुआ रक्त से परिपूर्ण और कोए के पैर के समान हो जाता है, हिचकी आने लगती है, कंठ और अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, ऐसी अवस्था को काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी मृत्यु आसान समझनी चाहिए। और घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, होंठ लटक जाएं, हृदय में कंपन होने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, दांत पसीने लगे और नेत्र उलट जाएं, लंबी श्वास आने लगे, ग्रीवा लटक जाए और नाभि फड़कने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ जानना चाहिए। दर्पण या जल में अपनी छाया ना दिखें, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाए, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी शीघ्र ही मृत्यु संभाव्य है। अष्टमी, नौमी और कृष्ण चतुर्दशी और नाग पंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसके प्रायः प्राण नहीं बचते। आद्रा, आश्लेषा, माघ, मघा, भरणी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा मूल, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वह भी नहीं जीता, और इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाएं तथा खंडन हर में, शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है
वह नहीं जीता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान हैं, उनमें भी शंख अर्थात ललाट की हड्डी, आँख, भ्रूमध्य, वस्ति, अंडकोश का ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्षस्थल, तालु, ठोड़ी और गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान हैं। इनमें सर्प काटने से अथवा शस्त्राघात होने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब सर्प काटने के बाद जो वैद्य को बुलाने जाते हैं, उस दूत का लक्षण कहता हूँ। उत्तम जाति का हीन वर्ण दूत और हीन जाति का उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत हाथ में दंड लिए हुए हो तो दूत हो, कृष्ण अथवा रक्त वस्त्र पहने हों, मुख ढके हों, सिर पर एक वस्त्र लपेटे हों, शरीर में तेल लगाए हों, केश खोले हों, जोर से बोलता हुआ आए, हाथ पैर पीटे, तो ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इन लक्षणों से युक्त वैद्य के समीप जाता है, वह रोगी अवश्य ही मर जाता है। कक्षप जी पुनः बोले, गौतम, अब मैं भगवान शिव के द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में कहता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। अनंत नाग सूर्य, वासुकी, चंद्रमा, तक्षक, भूम, कर्कोटक, बुध, पद्म, बृहस्पति, महापद्म, शुक्र, कुलिक और शंखपाल शनेश्वर ग्रह के रूप हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां यमार्थ, सोमवार को 8वां और 12वां, भूमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पति को 2रा और 6ठा, शुक्र को 4था, 8वां और 10वां, शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां प्रहरार्ध अशुभ है। इन समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता। सर्पों के विष का वेग, फैलाव तथा 7 धातुओं में प्राप्त विष के लक्षण और उनकी चिकित्सा। कक्षप जी बोले, गौतम, यदि यह ज्ञात हो जाए कि सर्प ने अपने यमदूती नामक दाढ़ से काटा है, तो उसकी चिकित्सा ना करें, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझें। दिन में और रात में 2रा और 16वां प्रहरार्ध सांपों से संबंधित नागोदय नामक वेला कही गई है। उसमें सांप काटे तो काल के द्वारा काटा गया समझना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पानी में बाल डुबोने पर और उसे उठाने पर बाल के अर्घ भाग से जितना जल गिरता है, उतनी ही मात्रा में विष सर्प प्रविष्ट कराता है। वह विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जितनी देर में हाथ पसारना और समेटना होता है, उतने ही सूक्ष्म समय में काटने के बाद विष मस्तक में पहुंच जाता है। हवा से आग की लपट फैलने के समान रक्त में पहुंचने पर विष की बहुत वृद्धि होती है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, वैसे ही त्वचा में पहुंचकर विष दूना हो जाता है। रक्त में 4 गुना, पित्त में 8 गुना, कफ में 16 गुना, वात में 30 गुना, मज्जा में 60 गुना और प्राणों में पहुंचकर वही विष अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीर में विष के व्याप्त हो जाने तथा श्रवण शक्ति बंद हो जाने पर वह जीव श्वास नहीं ले पाता और उसका प्राणांत हो जाता है। यह शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है। मृत्यु के बाद भूत पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने में लीन हो जाते हैं। अतः विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिए। विलंब होने से रोग असाध्य हो जाता है। सर्प आदि
जीवों का विष जिस प्रकार प्राण हरण करने वाला होता है, वैसे ही शंखिया आदि विष भी प्राण को हरण करने वाले होते हैं। विष के पहले वेग में रोमांच तथा दूसरे वेग में पसीना आता है, तीसरे वेग में शरीर कांपता है तथा चौथे में श्रवण शक्ति अवरुद्ध होने लगती है, पांचवे में हिचकी आने लगती है और छठे में ग्रीवा लटक जाती है तथा सातवे वेग में प्राण निकल जाते हैं। इन सात वेगों में शरीर के सातों धातुओं में विष व्याप्त हो जाता है। इन धातुओं में पहुंचे हुए विष का अलग अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाए और शरीर में बार बार जलन होने लगे तो यह जानना चाहिए कि विष त्वचा में है। इस अवस्था में आँख की जड़, अपामार्ग, तगर और प्रियंगु इनको जल में घोटकर पिलाने से विष की बाधा शांत हो सकती है। त्वचा से रक्त में विष पहुंचने पर शरीर में दहा और मूर्छा होने लगती है। शीतल पदार्थ अथवा अच्छा लगता है और उशीर, खस, चंदन, कूट, तगर, नीलोत्पल, सिंधुवार की जड़, धतूरे की जड़, हींग और मिर्च इनको पीस कर देना चाहिए। इससे बाधा शांत ना हो तो भटकटिया, इंद्रायणी की जड़ और सर्पगंधा को घी में पीस कर देनी चाहिए। यदि इससे भी शांत ना हो तो सिंधुवार और हींग का नस्या देना चाहिए और पिलाना चाहिए। इसी का अंजन और लेप भी करना चाहिए। इससे रक्त में प्राप्त विष की बाधा शांत हो जाती है। रक्त से पित्त में विष पहुंच जाने पर पुरुष उठ उठकर गिरने लगता है, शरीर पीला हो जाता है और सभी दिशाएं पीले वर्ण की दिखाई देती हैं। शरीर में दहा और प्रबल मूर्छा होने लगती है। इस अवस्था में पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बे की जड़, इंद्रायण की जड़, इन सब को गोमूत्र में पीस कर नस्य, लेपन तथा अंजन करने से विष का वेग हट जाता है और पित्त से विष के कफ में प्रवेश कर जाने पर शरीर जकड़ जाता है, श्वास भली भांति नहीं आती, कंठ में घर घर शब्द होने लगता है और मुख से लार गिरने लगती है। यह लक्षण देखकर पीपल, मिर्च, सोंठ, श्वेलक्ष्मातक, बहुवार वृक्ष, लोध एवं मधुसार को समान भाग करके गोमूत्र में पीस कर लेपन और अंजन लगाना चाहिए और उसे पिलाना भी चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग शांत हो जाता है। कफ से वात में विष प्रवेश करने पर पेट फूल जाता है, कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि भंग हो जाती है। ऐसा लक्षण होने पर शोणा, सोना गाछ की जड़, प्रियाल, गंज पीपल, भारंगी, वचा पीपल, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंधुवार और हींग इन सब को पीस कर गोली बना लें और रोगी को खिलाएं एवं अंजन तथा लेपन करें। यह औषधि सभी विषों का हरण करती है और वात से मज्जा में विष पहुंच जाने पर दृष्टि नष्ट हो जाती है, सभी अंग बेसुध हो शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लक्षण होने पर घी, शहद, शर्कर युक्त, खस और चंदन को घोटकर पिलाना चाहिए और नस्य आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग हट जाता है। मज्जा से मर्म स्थानों में विष पहुंच जाने पर सभी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। काटने से रक्त नहीं निकलता, केश के उखाड़ने पर भी कष्ट नहीं होता, उसे मृत्यु के ही अधीन समझना चाहिए और ऐसे लक्षणों से युक्त रोगी की साधारण वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास सिद्ध मंत्र और औषधि होगी वे ही ऐसे रोगियों के रोग को हटाने में समर्थ होते हैं।
इसके लिए साक्षात रुद्र ने एक औषधि कही है। मूर का पित तथा मारजार का पित और गंधना डी की जड़, कुमकुम, तगर, कूट, कासमर्द की छाल तथा उत्पल कुमुद और कमल, इन तीनों की केसर सभी का समान भाग लेकर उसे गोमूत्र में पीसकर नस्य दें, अंजल लगाएं। ऐसा करने से काल सर्प से डसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विषरहित हो जाता है। यह मृत संजीवनी औषधि है, अर्थात मरे को भी जिला देती है। सर्पों की भिन्न भिन्न जातियां सर्पों के काटने के लक्षण, पंचमी तिथि का नागों से संबंध और पंचमी तिथि में नागों के पूजन का फल एवं विधान। गौतम मुनि ने कच्छप जी से पूछा, महात्मन, सर्प सर्पणी, बाल सर्प, सूतिका, नपुंसक और व्यंतर नामक सर्पों के काटने में क्या भेद होता है और इनके लक्षण आप अलग अलग बताएं। कच्छप जी बोले, मैं इन सब को तथा सर्पों के रूप लक्षणों को संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनिए। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर को हो जाती है, सर्पणी के काटने से दृष्टि नीचे, बाल सर्प के काटने से दाहिनी ओर और बाल सर्पणी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भणी के काटने से पसीना आता है, प्रसूति काटे तो रोमांच और कंपन होता है तथा नपुंसक के काटने से शरीर टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पणी रात्रि में और नपुंसक संध्या के समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए या रमत को काटे, सर्प ना दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े, उसकी जाति ना पहचानी जाए और पूर्वोक्त लक्षणों की जानकारी ना हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है। सर्प चार प्रकार के होते हैं, दर्विकार, मंडली, राजिल और व्यंतर। इनमें दर्विकार का विषवात स्वभाव, मंडली का पित स्वभाव, राजिल का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का सन्निपात स्वभाव का होता है, अर्थात उसमें वात, पित और कफ इन तीनों की अधिकता होती है। इन सर्पों के रक्त की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए, दर्विकर सर्प में रक्त कृष्ण वर्ण और स्वल्प होता है, मंडली में बहुत गाढ़ा और लाल रंग का रक्त निकलता है, राजिल तथा व्यंतर में स्त्रीगद और थोड़ा सा रुधिर निकलता है। इन चार जातियों के अतिरिक्त सर्पों की अन्य कोई पांचवी जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण, सर्प काटे तो शरीर में दाह होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख काला पड़ जाता है और मज्जा स्तंभित हो जाती है और चेतना आ जाती है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंधुवार को घी में पीसकर नस्य दें और पिलाएं तो विष की निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्ण के सर्प के काटने पर शरीर में मूर्छा आ जाती है, दृष्टि ऊपर को हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगती है और व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षणों के होने पर आँख की जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियंगु को घी में पीसकर मिला लें तथा इसी का नस्य देने से एवं पिलाने से बाधा मिट जाती है। वैश्य सर्प डसे तो कफ बहुत आता है, मुख से लार बहती है, मूर्छा आ जाती है और वह चेतना शून्य हो जाता है। ऐसा होने पर अश्वगंधा, ग्रहधूम, गूगल, शीरीष, अर्क, पलाश और श्वेत, ग्रीक ऋणिका, अपराजिता, इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य देने तथा पिलाने से वैश्य सर्प की बाधा तक्षण दूर हो जाती है। इस व्यक्ति को शूद्र सर्प काटता है, उसे शीत लगाकर ज्वर होता है और सभी अंग चुलचुलाने लगते हैं। इसकी निवृत्ति के लिए कमल,
कमल का केसर, लोध्र, शोध्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरणी करणी इन सबको समान भाग में लेकर शीतल जल के साथ पीसकर नस्य आदि दे और पान कराएं। इससे विष का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मध्याह्न के पहले, क्षत्रिय सर्प मध्याह्न में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेंढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे से काटता है। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग के बढ़ने से व्याकुल होकर बिना समय भी काटता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है और क्षत्रिय में चंदन के समान, वैश्य में घृत के समान और शूद्र सर्प में मत्स्य के समान गंध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग बगीचे और पवित्र स्थानों में रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदि के द्वारा तालाब, चतुष्पथ तथा तोरण आदि स्थानों में, वैश्य सर्प शमशान, ऊपर स्थान, भस्म घास आदि के ढेर तथा वृक्षों में, इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, शमशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत एवं कपिल वर्ण अग्नि के समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय सर्प मूंगे के समान रक्त वर्ण अथवा सुवर्ण के तुल्य पीत वर्ण तथा सूर्य के समान तेजस्वी, वैश्य सर्प अलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण वाले एवं अनेक रेखाओं से युक्त तथा शूद्र सर्प अंजन अथवा कांक के समान कृष्ण वर्ण और धूम्र वर्ण के होते हैं। एक अंगुष्ठ के अनंतर में दो दंश हो तो बाल सर्प का काटा हुआ जानना चाहिए। दो अंगुल अनंतर हो तो तरुण सर्प का, ढाई अंगुल अंतर हो तो वृद्ध सर्प का दंश समझना चाहिए। अनंतनाग सामने, वासुकी की बाएं और तक्षक दाहिनी ओर देखता है और कर्कोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और पुलिक, ये आठ नाग क्रमश पूर्व आदि आठ दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, शत्र और अर्धचंद्र, ये क्रमश आठ नागों के आयुध हैं। अनंत और पुलिक, ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंख और वासुकी, क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और कर्कोटक शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। वासुकी और शंखपाल रक्त वर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीत वर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न हैं। पद्म और कर्कोटक कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न हैं। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा, राजन, सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महर्षि कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहे थे और यह भी बताया कि सदा भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध, खीर आदि से उनका पूजन करें। श्रवण शुक्ल पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दूर्वा, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने पर उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित कर घी, खीर, दूध, पुष्प आदि से पूजन कर गूगल की धूप दें। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं।
और उस पुरुष की 7 पीढ़ी तक को सांप का भय नहीं रहता। अश्विन मास की पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध घी जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी की आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। राजन, इस पंचमी तिथि के कल्प का मैंने वर्णन किया। जहाँ यह मंत्र पढ़ा जाता है वहाँ कोई भी सर्प नहीं आ सकता। षष्ठी कल्प निरूपण में स्कंद षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन अब मैं षष्ठी तिथि कल्प का वर्णन करता हूँ। यह तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को फलाहार कर यह तिथि व्रत किया जाता है। यदि राज्यच्युत राजा इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वह अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए विजय की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। यह विधि और तिथि स्वामी कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय है। इस दिन कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय का आविर्भाव हुआ था। वे भगवान शंकर अग्नि तथा गंगा के भी पुत्र कहे गए हैं। इसी षष्ठी तिथि को स्वामी कार्तिकेय देव सेना के सेनापति हुए। इस तिथि को व्रत कर घृत दही जल और पुष्पों से स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण की ओर मुख कर अर्घ देना चाहिए। अर्घ दान का मंत्र इस प्रकार है। ब्राह्मण को अन्न देकर रात्रि में फल का भोजन और भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दिन पवित्र रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों षष्ठियों को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान स्कंद की कृपा से सिद्धि घृति तुष्टि राज्य आयु आरोग्य और मुक्ति मिलती है। जो पुरुष उपवास ना कर सके वह रात्रि व्रत ही करे, तब भी दोनों लोकों में उत्तम फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं और वह इस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है। राजन, जो पुरुष षष्ठी व्रत के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह भी स्वामी कार्तिकेय की कृपा से विविध उत्तम भोग सिद्धि तुष्टि घृति और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और परलोक में वह उत्तम गति का भी अधिकारी होता है। आचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। राजा शतानिक ने कहा, मुने अब आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में बताने की कृपा करें। सुमंतु बुली बोले, राजन मैं अत्यंत संक्षेप में इस विषय को बताता हूँ, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने कहा है कि वेद आचरहीन को पवित्र नहीं कर सकते। भले ही वह सभी अंगों के साथ वेदों का अध्ययन कर ले, और वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदा चरण ही बतलाया गया है। चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी यदि वह आचरण से हीन है तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है। जिस प्रकार नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल होता है, जिनके संस्कार उत्तम होते हैं वे भी दुराचरण कर पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मन में दुष्टता भरी रहे, बाहर से सब संस्कार हुए हों, ऐसे वैदिक संस्कारों से संस्कृत कतिपय पुरुष आचरण में शूद्रों में भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला,
गुरुदारगामी, चोर, गौओं को मारने वाला, मध्यपाई, परस्त्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक और वेद निंदक, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरह के संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेदांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सदगति नहीं होती, दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिशुन, चुगलखोर, अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संस्कार को ठगते हैं और वेद को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, अनेक प्रकार के छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं, ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम हैं। जो ग्रम अग्रम के तत्व को जाने, अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करें, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सदाचारी हो, नियमों के पालन, आचार तथा सदाचरण में स्थिर रहे, सबके हित में तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्र का मर्मज्ञ हो, समाधि में स्थित रहे, क्रोध, मत्सर, मद तथा शोक आदि से रहित हो, वेद के पठन पाठन में आसक्त रहे, किसी का अत्यधिक संग ना करें, एकांत और पवित्र स्थान में रहें, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति रहित, निरंकार दानी, शूर, ब्रह्मवेता, शांत स्वभाव और तपस्वी हो तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो, इन गुणों से युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मा के भक्त होने से ब्राह्मण शत से रक्षा करने के कारण क्षत्रिय, वार्ता, कृषि, विद्या आदि का सेवन करने से वैश्य और शब्द श्रवण मात्र से जो दुर्गति हो जाए वे शूद्र कहलाते हैं। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शौच, धृति, दया, मृदुता, ऋजुता, संतोष, तप, निरहंकारता, अक्रोध, अनुसूया, अतृष्णता, असत्य, अमात्सत्य, धर्म ज्ञान, ब्रह्माचर्य, ध्यान, आत्सिक्त्य, वैराग्य, पाप, भीरुता, अद्वेष, गुरु शुश्रवा आदि गुण जिनमें रहते हैं उनका ब्राह्मण तत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। शम, तप, दम, शौच, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मणों के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, तपोरूपी सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत जिनके रहते हैं उनको मुन ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण के समान ही है। शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से प्रशस्त हो सकता है और आचार रहित ब्राह्मण भी शूद्र से हदम हो सकता है। जिस तरह देव और पुरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होते हैं वैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्म का योग होने पर आचरण की पूर्णता सिद्ध होती है। भगवान कार्तिकीय तथा उनके षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि बहुत उत्तम तिथि है। यह सभी पापों का हरण करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली तथा सभी कल्याण मंगलों को देने वाली है। यह तिथि कार्तिकीय को अतिशय प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि सत्कर्म अक्षय होता है। जो दक्षिण दिशा कुमारिका क्षेत्र में निवास करने वाले कुमार कार्तिकीय का इस तिथि को दर्शन करते हैं वे ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस तिथि में भगवान कार्तिकीय का अवश्य दर्शन करना चाहिए। भक्तिपूर्वक कार्तिकीय का पूजन करने से मानव मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में इंद्रलोक में निवास करता है। ईंट, पत्थर, काष्ठ आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक
कार्तिकीय का मंदिर बनाने वाला पुरुष सुवर्ण के विमान में बैठकर कार्तिकीय के लोक में जाता है। इनके मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने तथा झाड़ू पोछा मार्जन आदि करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। चंदन अगर कपूर आदि से कार्तिकीय की पूजा करने पर हाथी घोड़ा आदि वाहनों का स्वामी होता है और सेनापतित्व भी प्राप्त करता है। राजाओं को कार्तिकीय की अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। जो राजा कृतिकाओं के पुत्र भगवान कार्तिकीय की आराधना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है वह देवराज इंद्र की तरह अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। कार्तिकीय की चंपक आदि विविध पुष्पों से पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। इस भाद्रपद मास की षष्ठी को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। षष्ठी तिथि को व्रत एवं पूजन कर रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो कार्तिकीय के लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति कुमारिका क्षेत्र में स्थित भगवान कार्तिकीय का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है वह अखंड शांति प्रदान करता है। सप्तमी कल्प में भगवान सूर्य के परिवार का निरूपण एवं शाक सप्तमी व्रत। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। वे अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये अंड में ही स्थित थे तो दक्ष प्रजापति ने अपनी रूपवती कन्या रूपा को भार्या के रूप में इन्हें अर्पित किया। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया और जिससे ये अतिशय तेजस्वी हो गए। अंड में स्थित रहते ही इन्हें यमुना एवं क्षम नाम की दो संतानें प्राप्त हुई। भगवान सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण उनकी स्त्री व्याकुल हो सोचने लगी, इनके अतिशय तेज के कारण मेरी दृष्टि इनकी ओर ठहर नहीं पाती थी, जिससे इनके अंगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरा सुवर्ण वर्ण कामनीय शरीर इनके तेज से दग्ध हो श्याम वर्ण का हो गया है। प्रभो इनके साथ मेरा निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह सोचकर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न कर उससे कहा, तुम भगवान सूर्य के समीप मेरी जगह रहना, परंतु यह भेद खुलने ना पाए। ऐसा समझाकर उसने उस छाया नाम की स्त्री को वहां रख दिया तथा अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़कर वह तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में रत रहते हुए इधर उधर अनेक वर्षों तक घूमती रही। भगवान सूर्य ने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। कुछ समय के बाद छाया से शनिश्चर और तप्ती नाम की दो संतानें उत्पन्न हुई। छाया अपनी संतान पर यमुना तथा यम से अधिक स्नेह करती थी। एक दिन यमुना और तप्ती में विवाद हो गया। पारस्परिक शाप से दोनों नदी हो गए। एक बार छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़ित किया। इस पर यम ने क्रुद्ध होकर छाया को मारने के लिए पैर उठाया और छाया ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, मूढ़ तुमने मेरे ऊपर चरण उठाया है, इसलिए तुम्हारा प्राणियों का प्राण हिंसक रूपी यह भीमस्य कर्म तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्र होंगे। यदि तुम मेरे शाप से कुलुषित अपने पैरों को पृथ्वी पर रखोगे तो कृमिगण उसे खा जाएंगे। यम और छाया का इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। यम ने
अपने पिता भगवान सूर्य से कहा, पिताजी यह हमारी माता कदापि नहीं हो सकती, यह कोई और स्त्री है। यह हमें नित्य क्रूर भाव से देखती है और हम सभी भाई बहनों में समान दृष्टि तथा समान व्यवहार नहीं रखती। यह सुनकर भगवान सूर्य ने क्रुद्ध होकर छाया से कहा, तुम्हें यह उचित नहीं है कि अपनी संतानों में ही एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष। जितनी संतानें हों सबको समान ही समझना चाहिए, तुम विषम दृष्टि से क्यों देखती हो। यह सुनकर छाया तो कुछ ना बोली, पर यम ने पुनः कहा, पिताजी यह दृष्टा मेरी माता नहीं है बल्कि मेरी माता की छाया है, इसी से इसने मुझे शाप दिया है। यह कहकर यम ने पूरा वृतांत उन्हें बतला दिया। इस पर भगवान सूर्य ने कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, कृमिगण मांस और रुधिर लेकर भूलोक को चले जाएंगे, इससे तुम्हारा पांव गलेगा नहीं, अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम लोकपाल पद को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा और तुम लोकपाल देश को चले जाओगे। तुम्हारी बहन यमुना का जल समान पवित्र हो जाएगा और तपती का जल नर्मदा जल के तुल्य पवित्र माना जाएगा। आज से यह छाया सबके देहों में अवस्थित होगी। ऐसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान सूर्य दक्ष प्रजापति के पास गए और उन्हें अपने आगमन का कारण बताते हुए संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस पर दक्ष प्रजापति ने कहा, आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल होकर आपकी भार्या उत्तर कुरु देश में चली गई है, अब आप विश्वकर्मा से अपना रूप प्रशस्त करवा ले। यह कहकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे कहा, विश्वकर्मन आप इनका सुंदर रूप प्रकाशित कर दें। तब सूर्य की सम्मति पाकर विश्वकर्मा ने अपने तक्षण कर्म से सूर्य को खरादना प्रारंभ किया। अंगों के तराशने के कारण सूर्य को अतिशय पीड़ा हो रही थी और बार बार मूर्छा आ जाती थी, इसलिए विश्वकर्मा ने सब अंग तो ठीक कर लिए पर जब पैरों की उंगलियों को छोड़ दिया तब सूर्य भगवान ने कहा, विश्वकर्मन आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया परंतु हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं, इसका कोई उपाय बतलाइए। विश्वकर्मा ने कहा, भगवन आप रक्त चंदन और करवीर के पुष्पों का संपूर्ण शरीर में लेप करें, इसके तत्काल यह वेदना शांत हो जाएगी। भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के कथनानुसार अपने सारे शरीर में इनका लेप किया जिससे उनकी सारी वेदना मिट गई। उसी दिन से रक्त चंदन और करवीर के पुष्प भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो गए और उनकी पूजा में प्रयुक्त होने लगे। सूर्य भगवान के शरीर के खरादने से जो तेज निकला उस तेज से दैत्यों के विनाश करने वाले वृज का निर्माण हुआ। भगवान सूर्य ने भी पहला उत्तम रूप प्राप्त कर प्रसन्न मन से अपनी भार्या के दर्शनों की उत्कंठा से तत्काल उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने देखा कि वह घोड़ी का रूप धारण कर विचरण कर रही है। भगवान सूर्य भी अश्व का रूप धारण कर उससे मिले, पर पुरुष की आकांक्षा से उसने अपने दोनों नासापुटों से सूर्य के तेज को एक साथ बाहर फेंक दिया जिससे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई और यही देवताओं के वैद्य हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। तपती शनि और सावरणी ये तीन संतानें छाया से और यमुना तथा यम संज्ञा से उत्पन्न हुए। सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी
तिथि को ही मिला तथा संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई। अंतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि को एक समय भोजन कर षष्ठी को उपवास करता है तथा सप्तमी को दिन में उपवास कर भक्ष्य भोज्यों के साथ विविध शाक पदार्थों को भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर ब्राह्मणों को देता है तथा रात्रि में मौन होकर भोजन करता है, वह अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में कई समन्वित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्घ काल पर्यंत निष्टंकत राज्य करता है। राजा कुरु ने इस सप्तमी व्रत का बहुत काल तक अनुष्ठान किया और केवल शाक का ही भोजन किया। इसी से उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक पुण्य क्षेत्र प्राप्त किया और इसका नाम रखा धर्म क्षेत्र। सप्तमी, नौमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम हैं और स्त्री पुरुषों को मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। माघ की सप्तमी, अश्वनी की नौमी, भाद्रपद की षष्ठी, वैशाख की तृतीया और भाद्रपद मास की पंचमी ये तिथियां इस महीनों में विशेष प्रशस्त मानी गई हैं। कार्तिक शुक्ला सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और रात्रि में स्वयं भी शाक ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार चार मास तक व्रत कर व्रत का पहला पारण करना चाहिए। उस दिन पंचगव्य से सूर्य भगवान को स्नान कराना चाहिए और स्वयं भी पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। अनंतर केसर का चंदन, अगस्त्य के पुष्प, अपराजित नामक धूप और पायस का नैवेद्य सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पायस का भोजन करना चाहिए और दूसरे पारण में कुशों के जल से भगवान सूर्य नारायण को स्नान कराकर स्वयं गोमय का प्राशन करना चाहिए और श्वेत चंदन, सुगंधित पुष्प, अगरू का धूप तथा गुड़ के अपूप नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए और वर्ष के समाप्त होने पर तीसरा पारण करना चाहिए। गौर सर्प का उपटन लगाकर भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए और इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गुगुल का धूप और अनेक भक्ष्य भोज्य सहित दही भात नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए तथा यही ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख ब्राह्मणों पुराण श्रवण करना चाहिए अथवा स्वयं वाचना चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर पौराणिकों को वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। पौराणिक के संतुष्ट होने पर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गुगुल का धूप, मोदक, पायस का नैवेद्य, घृत, ताम्रपात्र, पुराण ग्रंथ और पौराणिक ये सब भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। राजन, यह शाक सप्तमी व्रत भगवान सूर्य को अति प्रिय है। इस व्रत का करने वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। श्री कृष्ण सांब संवाद तथा भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो
और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। इन सब का आप वर्णन करें। मेरा इन संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा हूँ। मुझे क्षण मात्र भी जाने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियां पीड़ित ना कर सके और फिर इस संसार में जन्म ना हो अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स्य, देवताओं के प्रसाद से, अनेक अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्राणों से सिद्ध होते हैं। वशिष्ठ जी, पुरुष वशिष्ठ देवता की आराधना करे तो वह वशिष्ठ फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ कहते हैं कि देवता नहीं हैं। फिर वशिष्ठ देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स्य, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, वत्स्य, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष है और वशिष्ठ एवं अभिष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें, अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से ही सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान श्री सूर्य नारायण ही है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूभुवस्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। यह संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रत्यनशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त होता है। इससे अधिक ना कोई देवता हुआ और ना होगा। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों को और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यव्य हैं। जो पुरुष सूर्यमंडल की रचना कर प्रातः, मध्यान्ह और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है? जो अपनी अंतर आत्माओं में मंडल स्थित भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन एवं जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है
और अंत में इनके लोक को प्राप्त करता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और मुक्ति तथा भक्ति की इच्छा रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, अधिवैदिक और आधिभौतिक कोई भी दुख नहीं होगा। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का और कोई उपाय नहीं है। श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृतिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र से सूर्य भगवान को अर्घ दें तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करें एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, अग्नि, महेंद्री तथा वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं प्लायवन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें।